नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विद एन एंड रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। देखिए, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है कि होली पर हम वास्तु से ऐसे क्या उपाय करें कि हमारे जीवन में मंगल ही मंगल। देखिए, ये तो सब जानते हैं कि होली रंगों का त्यौहार है, होली प्रेम प्यार और सद्भाव का त्यौहार है, होली के जैसे रंग हमारे जीवन में हमेशा बने रहें और हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ रहें, यही सब चाहते हैं। ये तो सब जानते हैं कि होली वाले दिन जो बुराई पर अच्छाई की जीत हुई थी, लेकिन होली क्यों जलाते हैं और उस होली वाले दिन किस ग्रह की उत्पत्ति हुई, आज मैं आपको ये बताऊँ। देखिए, हिरण्यकश्यप ने कई हजार वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या करी, तो जब वो तपस्या कर रहे थे तो उससे पूरा ब्रह्मांड हिल गया, इंद्र का सिंहासन डोलने लगा उनकी तपस्या से। तो सारे देवता बहुत परेशान हो गए, वो ब्रह्मा जी के पास गए तो ब्रह्मा जी से कहा कि आप इस समस्या का कोई निवारण करिए। तो समस्त देवता और ब्रह्मा जी हिरण्यकश्यप के पास गए और बोले कि हम आपकी तपस्या से प्रसन्न हैं, आप हमसे जो वर चाहे मांग लीजिए। तो हिरण्यकश्यप ने कहा कि आप मुझे वर दीजिए कि ना मैं जल में मरूँ, ना मैं थल में मरूँ, ना मैं आकाश में मरूँ, ना मैं पृथ्वी पर मरूँ, ना मुझे कोई मनुष्य मार पाए, ना मुझे कोई जानवर मार पाए। तो ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। तब हिरण्यकश्यप ने चारों तरफ उत्पात मचाना शुरू करा, उसने सारा स्वर्ग अपने अधिकार में कर लिया, सारी पृथ्वी अपने अधिकार में कर ली, तो समस्त देवता अत्यंत परेशान हो गए। तो विष्णु भगवान ने उसके समस्त पापों का नाश करने के लिए नरसिंह रूप में अवतार लिया। तो देखिए, जब भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लिया तो उन्होंने बहुत लॉजिक के साथ उसे मारा। जब उन्होंने उसे मारा तब वो आधे इंसान थे और आधे जानवर थे। तो उस समय जब जो भगवान नरसिंह का अवतार है वो मंगल ग्रह है, तो उस दिन मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई थी। देखिए, मंगल जो है वो हमारे लॉजिक का कारक है। अगर किसी की लाइफ में कितनी भी डिफिकल्टी हो, लेकिन अगर उसका मंगल अच्छा है तो वो अपने लॉजिक से सारी डिफिकल्टीज को खत्म कर देता है और वो अपनी लाइफ को बड़ा स्मूथली चला देता है। देखिए, अब उस दिन अग्नि क्यों जलाई जाती है, जो होली है वो क्यों जलाई जाती है, वो बताती हूँ। देखिए, जो मंगल ग्रह है वो अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, और जो हम उस दिन होली जलाते हैं तो उस दिन हम उस मंगल ग्रह की उत्पत्ति की वजह से होली जलाते हैं। और देखिए, अगर आपको कोई भी चीज अगर देवताओं तक पहुंचानी है, अगर कोई भोग देवताओं तक पहुंचाना है, तो उसका सबसे अच्छा साधन हवन है। जब आप हवन में कोई सामान डालते हैं तो वो सामान सीधा आपके जो अग्निदेव की पत्नी सोहा है वो आपका जो भोग है वो पहुंचाती है। वो कैसे, देखिए मैं आपको बताती हूँ कि उस दिन जब हम होली जलाते हैं तो होली में हम क्या क्या सामान डालते हैं। होली में हम सबसे पहले जल और रोली से और चावल से पूजा करते हैं। देखिए, जो रोली है और चावल है, रोली जो है वो मंगल है और चंद्र जो है वो चावल है, तो चंद्र मंगल का योग है, वो धन योग है। तो अगर आप रोली चावल से पूजा करते हैं तो आप अपना धन योग बनाते हैं। उसके बाद आप उसमें आटा या गुड़ डालते हैं, वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। तो देखिए, सीधे जो आटा और गुड़ है वो सीधे सूर्य देवता पर पहुंचता है। उसके बाद उसमें आप पकवान डालते हैं, पकवान जो है जितने भी पकवान होते हैं वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो जो वो पकवान जो है वो सीधे मंगल ग्रह तक पहुंचते हैं। उसमें आप घी और गुड़ घी डालते हैं और कपूर डालते हैं, घी और कपूर शुक्र ग्रह हैं, तो घी और कपूर जब डालते हैं तो वो भोग आपका शुक्र ग्रह तक पहुंचता है। आप उसमें इलायची डालते हैं, इलायची बुध ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो वो सीधा बुध ग्रह तक पहुंचता है। उस दिन आप उसमें नमक डालते हैं, नमक क्या है, शनि है, तो जब आप नमक डालते हैं तो शनि की नेगेटिविटी कम होती है। उसमें आप भूसी डालते हैं, भूसी क्या है, राहु है, जब आप उसमें भूसी डालते हैं तो राहु की नेगेटिविटी कम होती है। तो इसीलिए उस दिन आप सारे ग्रहों को एक्टिव करते हैं, जब होली जला के ये सारे चीजें डालते हैं तो उस दिन आप सारे ग्रहों को एक्टिव करते हैं, ये इसलिए होली जलाई जाती है। इसलिए देखिए, अगर उस दिन पूर्णिमा है, अगर पूर्णिमा वाले दिन आप होली में ये सारी चीजें नहीं डालते हैं तो पूर्णिमा वाले दिन आप हवन कर सकते हैं या हवन सामग्री दान कर सकते हैं। पूर्णिमा वाले दिन देवताओं तक अपना भोग पहुंचाने के लिए आप खीर का सामान, दूध दही चावल किसी मंदिर में या किसी पंडित को दान कर सकते हैं। अब मैं ये बताऊंगी कि आप वास्तु से उस दिन ऐसे क्या उपाय करें जिससे कि आपकी लाइफ में हमेशा खुशियां ही खुशियां रहें और आपकी लाइफ में हमेशा मंगल ही मंगल रहे।
देखिए जो मंगल ग्रह है वो हमारे घर के साउथ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और हमें जो कुछ चाहिए वो हमें सब साउथ से ही मिलता है। वो कैसे वो मैं आपको बता रहा हूँ। डायरेक्शन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, हमें जो चाहिए वो सब कुछ साउथ से मिल जाता है। वो कैसे पहले मैं वो आपको बताती हूँ। देखिए साउथ ईस्ट जो है वो हमारी कैश एंड लिक्विडिटी का है। जब हमारे पास कैश एंड लिक्विडिटी होगी तो साउथ ईस्ट वो है कॉन्फिडेंस का। अगर हमारे पास कैश एंड लिक्विडिटी होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस अपने आप आ जाएगा। कॉन्फिडेंस आएगा तो साउथ जो है वो नेम फेम और ब्रांडिंग का है। जब हमारे पास कॉन्फिडेंस होगा तो हमारा नेम फेम और ब्रांड अपने आप बन जाएगा। जब नेम फेम और ब्रांड बनेगा तो साउथ साउथ वेस्ट जो डिस्पोजल का है तो हमारी कोई चीज डिस्पोज नहीं होगी। और जब हमारी कोई चीज डिस्पोज नहीं होगी तो साउथ वेस्ट जो कि रिलेशनशिप का है, हमारी फैमिली का है, तो हमारा रिलेशनशिप ठीक रहेंगे। तो इन सारी चीजों को ठीक करने के लिए आपको क्या करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर उस दिन आप महालक्ष्मी जी के की प्रिय चीज गुलाब के फूल रखना शुरू करते हैं, 5, 7, 6 इतनी संख्या में आप एक प्लेट में गुलाब के फूल रखते हैं, या आप एक महालक्ष्मी की फोटो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगाते हैं, या आप और कुछ नहीं तो 5 अगरबत्ती आप लें और साउथ ईस्ट डायरेक्शन में 5 या 6 अगरबत्ती आप साउथ ईस्ट डायरेक्शन में जलाते हैं तो आपका साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपके लिए कैश एंड लिक्विडिटी की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगा। उसके बाद साउथ ईस्ट डायरेक्शन, अगर आपको आपके बच्चे में आप में थोड़ी कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है या कॉन्फिडेंस और बिल्डअप करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप एक पंचमुखी हनुमान जी की फोटो लगा सकते हैं। अगर आप पंचमुखी हनुमान जी की फोटो नहीं लगाएं तो आप ऐसे किसी आदमी की फोटो लगाइए जिसे देख के आपको कॉन्फिडेंस आता हो कि मुझे इसके जैसा बनना है। आप एक वहां पे एक फोटो लगा सकते हैं तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बहुत बिल्डअप होगा। अब साउथ डायरेक्शन को आप एनहांस करने के लिए आप वहां एक लाल बल्ब लगा सकते हैं, आप एक दुर्गा माँ की फोटो लगा सकते हैं, आप एक शेर लगा सकते हैं, क्योंकि नेम एंड फेम चाहिए आपको तो शेर जो है वो नेम एंड फेम का कारक है। आप एक शेर लगा सकते हैं और ये भी नहीं कर सकते तो एक लाल रंग का एक स्वास्तिक आप वहां लगा देंगे तो आपका ये साउथ डायरेक्शन बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। और इसके अलावा साउथ में आप कोई एंटी कलर ब्लू कलर ना रखें, साउथ की किसी डायरेक्शन में आप उसका एंटी कलर ब्लू कलर ना लें। साउथ साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि डिस्पोजल का है, वहां पर अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी कोई चीज डिस्पोज हो रही है तो आप एक येलो कलर का वास रख सकते हैं। और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो कि रिलेशनशिप का है, अगर किसी की शादी में कोई प्रॉब्लम आ रही है, शादी नहीं हो रही है या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है तो वहां पर आप एक लव बर्ड, शादी के लिए आप एक लव बर्ड रख सकते हैं, या इसके अलावा आप राधा कृष्ण की फोटो रख सकते हैं। राधा कृष्ण की फोटो के अलावा आप वहां पर अपना एक फैमिली फोटो जिसको देखकर आपको अच्छा लगे आप वो रख सकते हैं। तो ऐसे अगर आप अपने घर का साउथ डायरेक्शन अच्छा रखेंगे तो आपकी लाइफ में मंगल ही मंगल होगा, आपको कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा आप प्लीज नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे बताइए।